एक बार की बात है, दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या कम थी। थोड़ी कम नहीं, बहुत ज्यादा कम थी। दुश्मन के पास अगर 10 सैनिक थे तो इस राज्य के पास उसके लिए सिर्फ एक सैनिक था। इस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने तक से इनकार कर दिया, क्योंकि जीत की कोई आशा नहीं थी। इसलिए राजा भी सेनापति से कुछ नहीं कह पाए। परंतु राजा पीठ दिखाने वालों में से नहीं थे। उसने एक फकीर से प्रार्थना की कि अपनी सेना में आप नेतृत्व करने के लिए चले जाइए। सेनापति हैरान था कि आखिर राजा को क्या हो गया है। अगर हमने मना कर दिया तो क्या राजा एक फकीर को सेनापति बना देगा? एक फकीर जिसे युद्ध का कोई अनुभव भी नहीं है, जो युद्ध पर कभी गया भी नहीं है, जिसने कभी युद्ध किया ही नहीं है, और यहाँ तक जिसने कभी युद्ध की बात तक नहीं की, उसे राजा सेना का नेतृत्व देने की बात कर रहा है। बड़ी अव्यवहारिक बात थी, पर वो फकीर राजी हो गया। राजा को डर तो था, पर पीठ दिखाने से बेहतर था वीर गति को प्राप्त हो जाना। सैनिक भी फकीर के साथ जाने से डर रहे थे, पर फकीर जोश से भरा हुआ था। सेनापति भी पीछे पीछे हो लिए कि भला देखे तो सही आखिर होता क्या है। जहाँ दुश्मन के पड़ाव पड़े थे उससे कुछ ही दूर एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ फकीर ने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और बोला कि इससे पहले हम युद्ध पर जाएं, कम से कम भगवान से आशीर्वाद तो ले लें, उनसे पूछ तो लें कि आखिर उनकी मर्जी क्या है। अगर जीतना है तो आगे बढ़ जाएंगे, और अगर हारना है तो वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे कि भगवान की मर्जी यही है कि हमारी हार निश्चित है, तो व्यर्थ में हम क्यों मरे। सैनिक भी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि वो भी भीतर से डरे हुए थे। फकीर ने हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, अपनी झोली से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा, भगवान ये सिक्का मैं ऊपर उछालूंगा, अगर ये सिक्का सीधा गिरा तो जीत हमारी होगी, और अगर ये उल्टा गिरा तो हमारी हार निश्चित है। प्रभु अब सब आपके हाथ में है। सभी की नजर उस सिक्के पर टिकी हुई थी। फकीर ने सिक्का उछाला, चमचमाती धूप में सिक्का जोर से चमका और नीचे गिर गया। सिक्का सीधा गिरा था, जीत तो निश्चित थी। फकीर ने सैनिकों से कहा, अब फिक्र छोड़ दो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम हार सकते हो। अब इस धरती पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ईश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। बस फिर क्या था, सारे सैनिक बुलंद हौसलों के साथ युद्ध में कूद पड़े। 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। उसी सेना को जो आकार में उनसे 10 गुना ज्यादा बड़ी थी, उन्होंने उस युद्ध में जीत हासिल करी, जिस युद्ध को जीतना उन्हें असंभव लग रहा था। युद्ध को जीतकर जब सेना वापस लौट रही थी, तो उस फकीर ने फिर से उस मंदिर के सामने सेना को रोका और कहा, जरा ठहरो, ये वही मंदिर है जहां भगवान ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया था, कम से कम भगवान को धन्यवाद तो दे दें। सारे सैनिक रुके और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तेरे इशारे और तेरी कृपा से ही हम जीते हैं, तू अगर इशारा न करता तो हम हार चुके थे। फकीर ये सब देख रहा था। सैनिक जब प्रार्थना करके वापस लौटने लगे तो फकीर ने कहा, ठहरो, कम से कम इस सिक्के को भी तो देख लो जिसने हमारी जीत का फैसला किया था। फकीर ने सिक्का निकाला और सैनिकों को दिखाया। सिक्का दोनों तरफ से ही सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं, सीधा ही। उसे तो जैसे गिराओगे उसे सीधा ही गिरना था। अब फकीर ने कहा कि सैनिकों, अब तुम खुद को धन्यवाद करो, ना तो भगवान ने तुम्हें जिताया है ना ही सिक्के ने, तुम्हें जिताया है तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास ने। तुम जीत की आशा से भर गए थे इसलिए जीते, तुम निश्चित रूप से हारते क्योंकि तुम हार के डर से भरे हुए थे, तुम निराश थे, तुम जानते थे कि हारना ही है, पर तुम जीते क्योंकि तुम्हें अपनी जीत पर विश्वास हो गया था। दोस्तों, जीवन में भी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीत की आशा से भरे हुए हैं या फिर हार के डर से। इसलिए कभी डरना नहीं, कभी हार मत मानना, और अपने ऊपर ये भरोसा रखना कि आप इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि आत्मविश्वास की ताकत ही असली ताकत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपसे मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।